हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मनु खाना खजाने में। आज मैं एक बहुत अच्छी सी डिश बनाने जा रही हूँ जो कि सबको पसंद है, लेकिन इसको हम एक नए अंदाज में बनाने जा रहे हैं जो कि इसके बाद बहुत हेल्दी हो जाएगी। तो हम बनाने जा रहे हैं आज क्या मैगी, लेकिन सिंपल मैगी तो सब लोग बनाते, लेकिन आज हम बनाएंगे वेजिटेबल्स मैगी, जिसमें कि हम ढेर सारी वेजिटेबल्स डालेंगे और वह बहुत ज्यादा हेल्दी भी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए मैगी बनाने के लिए। तो हमने मैगी लिया है, 6 पीस है मैगी इसमें, और ये मैगी के मसाले, और ये हमने मैगी मसाला एक एक्स्ट्रा लिया क्योंकि हमने इतनी सारी वेजिटेबल्स ली है उसमें डालने के लिए। फिर हम वेजिटेबल्स में देख लेते हैं, हमने ढेर सारी वेजिटेबल्स ली है तो देख लेते हैं हमने कौन कौन सी वेजिटेबल्स ली है। तो हमने लिया ये पत्ता गोभी, ये तीनों शिमला मिर्च है, रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च। उसके बाद है मटर 1 कटोरी, ये तीन शिमला मिर्च मैंने एक एक ली है तीनों। इसके बाद हमने 2 टमाटर ली, 1 आलू, 2 से 3 गाजर और 1 प्याज, सबको हमने धुल के काट लिया है। फिर नमक और रिफाइंड तेल सब्जी को फ्राई करने के लिए। तो ये सारी सब्जियां अगर हम जब डालते हैं तो क्या होता है, मैगी हमारी बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाती है। ऐसे तो बच्चे सब्जियां खाते नहीं है, लेकिन अगर मैगी तो उनकी फेवरेट फूड होती है और उसमें हम सारी सब्जियां डाल देंगे तो बच्चे उसे आसानी से खा लेते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं हेल्दी मैगी। एक तरफ हमने रख दिया गैस के ऊपर कढ़ाई जिसमें हम सब्जी फ्राई करेंगे, और दूसरी तरफ हमने एक बर्तन रख दिया जिसमें की हम मैगी बनाएंगे। तो मैगी वाले बर्तन में हम सबसे पहले डालते हैं पानी। यह हम 6 पीस मैगी लिए है तो कम से कम 6 कप से थोड़ी सी ज्यादा पानी है क्योंकि हमने अलग से वेजिटेबल्स भी लिए हैं। 6 पीस अगर मैगी के लिए है तो हम 6 कप पानी भी डालेंगे। और इधर कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और पानी को बॉयल हो जाने देंगे। जब ये बॉयल होने लगेगा तो इसमें हम मसाला और मैगी डालेंगे। कढ़ाई एकदम गर्म हो चुकी है और हम इसमें डाल देते हैं तेल। थोड़ी तेल गरम हो जाए तो फिर इसमें हम सारी वेजिटेबल्स को डाल देंगे। कढ़ाई हो गई है गरम, अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। प्याज को थोड़ी भुजा देते हैं। हम बहुत ज्यादा प्याज को नहीं पकाएंगे, बस हल्का हल्का ही पकाएंगे क्योंकि जब मैगी में सभी सब्जियों का फ्लेवर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए किसी सब्जी को बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा भून लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं आलू और गाजर। इनको आलू और गाजर को हमें थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी कड़ी होती है, इसलिए हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। तो हमने डाल दिया इसमें आलू और गाजर और इसको चला देंगे थोड़ी देर। और इधर पानी गर्म हो गया तो हम इसमें डाल देते सारे मसाले। हमने 6 पैकेट मैगी लिया था तो 6 पैकेट मसाले भी डाल दिया। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सब्जी में डाल देते हैं मटर, इसको भी थोड़ा चला देते हैं।
और इधर हम डाल देते हैं मैगी को। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स डाली है। आपके पास जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हो वही वेजिटेबल्स आप यूज कर सकते हैं मैगी बनाने में, और आप जितने पीस मैगी बनाना है उसी हिसाब से सारी सामग्रियों को डालें। इसको भी थोड़ा मिक्स कर सकते हैं और पकने देते हैं जब तक वेजिटेबल्स को। इसमें हम बाकी सभी सब्जियों को डाल देते हैं। ये पत्ता गोभी, रेड शिमला मिर्च, येलो और ग्रीन। ये जितना हेल्दी खाने में होगा उतना अच्छा देखने में भी लग रहा है। तो हम सबको एक बार भून कर देते हैं। मैगी तो बच्चों को ऐसे ही बहुत ज्यादा पसंद है, और इतना सुंदर कलर देख के तो अपने आप ही खाने का मन करने लगता है। ये देखिए सारे सब्जियों का कलर इतना सुंदर। हम इनको 5 मिनट तक पका लेंगे। मैं सब्जियों को बहुत महीन कट नहीं किया है, लंबे लंबे साइज में सबको कट कर दिया है। मैगी को भी थोड़ा चला देते हैं जिससे कि इसको भी बीच बीच में चलाते रहे जिससे कि अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने मैगी मसाला यूज लिया था। और नमक स्वादानुसार, और डाल देते हैं टमाटर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। हम इसे ढक देते हैं जिससे कि थोड़ा जल्दी पक जाए। इधर मैगी भी पकने वाली है, लेकिन लगभग पकी गई है। देखिए सब्जी भी पक गई है, और इधर हमने मैगी का भी गैस बंद कर दिया। तो अब हम मैगी सारे इसी सब्जी में डाल देते हैं। तो ये हम टमाटर और इसे हम मैगी डाल दिए, और इसको अच्छे से वेजिटेबल के साथ मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मैगी डालने के बाद ये बहुत ही सुंदर होने लगती है। हेल्दी की तो बात ही, हमने इसमें ढेर सारी सब्जियां डाली थी। हम इसी तरह पूरी मैगी को मिक्स कर देंगे सारी वेजिटेबल्स में, और ये अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब हम गैस बंद कर देंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैगी एकदम से रेडी है। ये बहुत ही सुंदर दिख रही है, इसको तो ऐसे ही देखे खाने का मन कर रहा। तो इसी तरह से आप भी मैगी बनाइए हेल्दी एंड टेस्टी। आप इसको अगर ऐसे ही खाना चाहते हैं तो ऐसे खाइए, और अगर सॉस के साथ पसंद है तो सॉस के साथ खाइए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। बच्चों को तो इसी तरह से जरूर बना के खिलाइए, क्योंकि आजकल बच्चे सब्जियां बहुत कम खाते हैं। तो आप उनकी फेवरेट डिश के साथ सब्जी मिला के देंगे तो वो जरूर खाएंगे। तो ऐसे ही डिश बनाते रहिए, और पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।